धन बचे और धन बचे रोग समूल नस जाए, मेरे भारतवासियों देश का औषध खाएं। मैं आपका दोस्त वैद्य देवन शर्मा आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर योग चल रहा है जिसका नाम है बाजीकरण लोभ भस्म। यह लोभ भस्म तैयार कर रहे हैं हम। इसका नुस्खा जो है हमने तैयार करने का तरीका चलाया हुआ है और इसका अगला स्टेप का वीडियो आ रहा है, नंबर पार्ट टू। इसमें हमने पहले देखा कि जो एलोवेरा के रस में हमने गोटाई की, गोटाई करने के बाद उसकी टिकिया बना ली है हमने। वो टिकिया आपको दिखा रहे हैं और इसको गजपुट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो आपको सारी विधि दिखा रहे हैं। तो आओ हम चलते हैं विधि की तरफ। हाँ जी दोस्तों, यह आपने देखा कि हमने बाजीकरण लोभ भस्म का तरीका चला रखा है, इसका पार्ट टू ये आप देख रहे हैं। और यह हमने रगड़ाई कर ली थी एलोवेरा के रस में, इसकी इस प्रकार की हमने टिकिया तैयार की है। अब इस टिकिया को हम इस मटकी में डाल करके कपड़ मिट्टी करेंगे जी। आहिस्ता आहिस्ता इन टिकिया को अंदर में डालना है, तरीके से डालेंगे तो अच्छा भस्म निकलेगा। तो पहले मटकी को अच्छे से धो करके साफ करके छाया में सुखा लें, जो इसकी मट्टी मुट्टी गंदगी होती है वो सब साफ़ हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आपने इसके अंदर टिकिया रख देनी है। इसको रख करके आपने बैंडेज जो डॉक्टर बांधते हैं, जिससे पट्टी करते हैं, वो बैंडेज की मदद से आपने इसको कपड़ मट्टी करना है। ये भी जो चूरा है इसी में डाल देंगे। अब इसको ऐसे बिल्कुल बंद कर देना है। ये देखो, इसको बैंडेज को क्या करना है आपने, इसके अंदर ऐसे कर लेना है, एक बार डिप कर लेना है। इसको डिप करके इसके ऊपर लगाते रहना है, मिट्टी को अच्छे से कपड़ मिट्टी करना है और इसको सुखा लेना है। इसी प्रकार से आपने मिट्टी लेते रहना है और लगाते रहना है। ये आपको पूरा तैयार करके हम दिखा रहे हैं, इसी प्रकार से ये तैयार हो जाएगा।